हंदी जनाब, क्या हाल चाल आपके? साम्राज्य खुशी? बढ़िया। आ जाओ फिर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 का मैथ है। देखते हैं जनाब क्या गिवन है। डायग्राम मैंने पहले बना दिया समझाने के लिए कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, कि हमें क्या प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। समझ में आ गया कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो परपेंडिकुलर डाला है तो द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के टेंजेंट के ऊपर वो पास होगा, कहां से? वो सेंटर से पास होगा। समझ में आ गई बात है कि जो हमने परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से, वो सेंटर से पास होगा। भाई यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला वो सेंटर से पास होगा, ये बात अपने को प्रूव करनी है। करते हैं, पहले गिवन क्या है कि ओ क्या है, ओ इज सर्कल, ठीक है, विद टेंजेंट ए बी, ठीक है, टेंजेंट क्या है ए बी एंड पी इज इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये रहा, देखिए हमने क्या मान लिखा कि सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल मान लो सेंटर क्या है इसका ओ है, एंड ए बी टेंजेंट, ए बी क्या है टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे है। और प्रूव क्या करना है कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए बी, जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट ए बी के ऊपर वो पास करेगा किस पॉइंट से, ओ पॉइंट से, ठीक है, ये बात अपने को प्रूफ करनी है। तो हमने प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। तो हमने क्या मान लिया, हम मान के चलते हैं जनाब कि अपना जो परपेंडिकुलर है ना, ये सेंटर ओ से पास ना होके कोई एक अलग ही पॉइंट मान लेते हैं, क्या माने सी मान लेते हैं, चलो किस पॉइंट से पास हो रहा है सी। तो लेट मान के चलते हैं जी, लेट जो परपेंडिकुलर है वो पास हो रहा है, पास थ्रू किस पॉइंट से, पॉइंट किस पॉइंट से, सी पॉइंट से पास हो रहा है। मान के चले अगर ये सी पॉइंट से पास हो रहा है तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये 90 का एंगल होता है, ठीक है। हमने मान लिया भी ये सी पॉइंट से पास हो रहा है परपेंडिकुलर, तो यहां से मैं कह सकता हूं ना कि सो, तो यहां से कह सकते हैं कि एंगल है अपना सी पी बी, एंगल है सी पी बी कितने का हो जाएगा जी, 90 डिग्री का, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। समझ में आ गया। बट किंतु परंतु जीव जंतु जो एंगल ओ पी बी कितने का होता है, 90 का होता है जी, इक्वेशन नंबर 2। अरे क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया था रेडियस ऑफ टेंजेंट एक दूसरे के साथ कितने एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। तो क्या लिखेंगे रीजन, कि रीजन क्या लिखा कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे, किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर। समझ में आ गया। तो फ्रॉम वन एंड टू, तो फ्रॉम वन एंड टू हम क्या कह सकते हैं, तो कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होने चाहिए। सी पी बी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ओ पी बी, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। और सिंपल सी बात है यार, एक बात तो एक तो अपना ये हो गया ओ पी बी, ओ पी बी, अब ये 90 का है और एक एंगल में ये ले रहा हूं सी वाला सी पी बी, ये तो 90 का हो ही नहीं सकता। अगर ये 90 का है जो थ्योरम के द्वारा प्रूव की हुई बात है पहले, तो मैं इस एंगल को 90 कैसे कह सकता हूं, हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता ना, किसी आदमी नहीं हो सकता, वो छोटा दिख रहा है, ठीक है। इट इज क्लियरली सीन दैट कि हमें दिख रहा है, इट इज क्लियरली सीन दैट हमें दिख रहा है अंधे को भी कि जो एंगल है ना ओ पी बी वो बड़ा है किससे, एंगल सी पी बी से, ठीक है, ओके। सो एंगल सी पी बी वो इक्वल नहीं है किसके, ओ पी बी के, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है जी। और ये पॉसिबल कब हो सकता है, कब हो सकता है कि जब अपना ये सी पॉइंट यहां पे ना हो के दूसरे के इक्वल है ना, इट इज पॉसिबल ओनली, क्या इट इज ओनली पॉसिबल, इसे कब पॉसिबल होगा, व्हेन बोथ आर कोइंसाइड्स, क्या होंगे एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे तभी इक्वल हो सकता है ना। सो
हेंस जो परपेंडिकुलर है जो हमने प्रूव करना था, ठीक है, टू टेंजेंट वो पास हो रहा है किस पॉइंट से, पास थ्रू किस पॉइंट से ओ से, ठीक है, यही बात अपने को प्रूव करनी थी भाई, था ना आसान सा, ठीक है, कि हमने मान के चले सी, क्या दोबारा बताऊं और ली परपेंडिकुलर ना पास कर रहा है से पॉइंट से, तो 90 को होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कितने का होता है, 90 का होता है, तो फ्रॉम वन एंड टू ये वाला और ये वाला दो एंगल का हो गया इक्वल हो गए, लेकिन हमें दिख रहा है कि अपना ओपी भी क्या है बड़ा है इससे, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है, इसको कब पॉसिबल होगा जब दोनों क्या करें ऑब्जर्वर पॉइंट साइड करें, ठीक है, तो अपना ये बात प्रूव हो गई, टाटा बाय बाय खत्म, क्वेश्चन आसान सा था खत्म हो गया, उम्मीद करता हूँ इस सभी को समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कुछ भी डाउट नजर आ रहा है ना तो नीचे कमेंट कर देना, आंसर मिल जाएगा, मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के अंदर, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।